नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज एडुजेट। सिचका ने चौकी प्रभारी पर छेड़छाड़ का लगाया आरोप, चौकी प्रभारी हुए लाइन हाजिर। खबर उन्नाव के थाना औराज क्षेत्र की चौकी हैदराबाद से है, जहां तैनात चौकी प्रभारी पवन कुमार पाठक पर महिला सिचका ने मुकदमे में सुलह न करने पर जबरन हरिजन एक्ट के फर्जी केस में फंसाने व जबरन छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई करते हुए चौकी प्रभारी को तत्काल लाइन हाजिर किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार वंदना सिंह ग्राम हरी चौराहा कस्बा हैदराबाद थाना आसीवन की निवासी है। शिक्षिका वंदना सिंह प्राथमिक विद्यालय हैदराबाद प्रथम में शिक्षा मित्र के पद पर कार्यरत है। वहीं शिक्षिका ने 22 सितंबर को आसीवन थाना क्षेत्र में अपराध संख्या 240/2020 धारा 269/337 IPC में सुमित सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह निवासी मोहल्ला सुभाष नगर कस्बा हैदराबाद थाना आसीवन के विरोध में दुर्घटना से संबंधित मुकदमा पंजीकृत कराया था। मुकदमा लिखे जाने से पूर्व चालक सुमित ने शिक्षिका को धमकी भरे अंदाज में कहा कि यदि रिपोर्ट लिखाई तो तुम्हारे खिलाफ हरिजन एक्ट का मुकदमा लिखवा दूंगा, जिसकी शिकायत शिक्षिका ने जब हैदराबाद चौकी प्रभारी से की तो चौकी प्रभारी ने उन्हें चौकी से भगा दिया। शिक्षिका ने थाने में शिकायती पत्र दिया तो आरोपी चालक पर मुकदमा दर्ज हो रहा था कि तभी थाने पहुंच चौकी प्रभारी ने शिक्षिका को धमकी देते हुए कहा कि अगर तुम मुकदमा लिखाओगी तो सुमित भी तुम्हारे ऊपर हरिजन एक्ट का मुकदमा लिखवा देगा। इस घटना के बाद लगातार चौकी प्रभारी कुछ आवारा लड़कों के साथ मिलकर शिक्षिका से अश्लील हरकतें व अश्लील पंक्तियों के माध्यम से छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिसकी शिकायत पीड़िता द्वारा पुलिस अधीक्षक से की गई तो उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए चौकी प्रभारी पर मामला पंजीकृत कर क्षेत्र अधिकारी को जांच के उपरांत दोषी पाए जाने पर चौकी प्रभारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। समाचार डिजाइट के लिए उन्नाव से ब्यूरो रिपोर्ट। आज आप यहाँ पुलिस अधीक्षक के ऑफिस आई हैं, क्या शिकायती पत्र देने आई हैं, कौन लोग हैं, किस तरीके का मामला है? मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरे काफ़ी चोट आई है, तो जिस पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उस लड़के का जो भाई है वो पुलिस में है, तो वो कह रहा मेरा कुछ तो कर नहीं पाओगे, हरिजन एक्ट लगवा दूंगा मैं, ऐसे सब धमकाया जा रहा है। और वो जो पवन कुमार पाठक हैं जो चौकी इंचार्ज हैं, वो मुझे पहले से ही परेशान करते हैं, उनको मौका मिल रखा है तो वो मुझे और परेशान कर रहे हैं और अभद्रता से पेश आते हैं। मेरी BLO ड्यूटी लगी थी, मैंने इनके लिए SDM भी बुलाए थे, इनने मुझसे बदतमीजी की है कि मैं वॉलीबॉल खेलूंगा, ऐसे ऐसे हाथ करके, मतलब अभद्र निगाह से देखते हैं। और जैसे रास्ते से मैं स्कूल जाती हूँ तो मुझे परेशान करते हैं, बोलते हैं गाने अभद्र तरीके से गाते हैं, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा फला फला गाने अजीब अजीब, तो मुझे आने जाने में दिक्कत है। अगर मेरे साथ मेरे परिवार के साथ कोई परेशानी होती है, मैंने अभी भी मुझे परेशान कर रहे हैं मेरे परिवार में और सबको धमकाते हैं। अभी भी सुबह की मेरे पास रिकॉर्डिंग है, कई लड़के हैं जो वहाँ गुंडागिर्दी करते हैं, उनके साथ में मतलब बदतमीजी से बात कर रहे थे, आज सुबह ही बात कर रहे थे, मेरे पास ही फ़ोन करते रहते हैं ये कोई बात हुई है, धमका रहे हैं मुझे। ये पाठक जी किस चौकी में तैनात है? ये हैदराबाद मियागंज इन्ना। पुलिस अधीक्षक जी ने किस प्रकार का आश्वासन दिया है आपको? ये मेरे से कह रहे हैं उनकी जांच कराई जाएगी, मुझे तो जांच कराई जाएगी, ये जांच में वो अब जानते तो हो ही आप कि जान पहचान पुलिस में है, पता नहीं इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई हो कि ना हो, मैं तो चाहती हूँ ये उधर से हटाया जाए, जो मेरे को परेशान कर रहा था उसको बिल्कुल वहाँ पर रुकने की कोई जरूरत ही नहीं है उस जगह पे। और आज थाने पे नियुक्त एक सब इंस्पेक्टर के खिलाफ एक महिला के द्वारा छेड़खानी के संबंध में एक एप्लीकेशन पुलिस ऑफिस में दिया गया था, जिसका संज्ञान लेते हुए मेरे द्वारा CO बांगरमऊ और एक महिला इंस्पेक्टर से इस प्रकरण की जांच कराई गई है। हालांकि जांच में कुछ बयानों और तथ्यों में भिन्नता पाई गई है, परंतु प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में एक अभियोग औरास थाने पर पंजीकृत किया गया है और इस मुकदमे की विवेचना करने हेतु एक विवेचना टीम बनाई गई है, जिसमें एक सर्कल ऑफिसर रैंक के अधिकारी होंगे, एक इंस्पेक्टर होंगे और एक महिला सब इंस्पेक्टर। इसकी विवेचना टीम के द्वारा, इस स्पेशल विवेचना टीम के द्वारा इस प्रकरण की विवेचना की जाएगी और विवेचना के आधार पर जो भी निष्कर्ष प्राप्त होंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में ये भी अवगत कराना है कि संबंधित सब इंस्पेक्टर को तत्काल प्रभाव से पुलिस लाइन स्थानांतरित किया गया है और पीड़िता का स्टेटमेंट, मेडिकल और अन्य कार्रवाई
करने हेतु संबंधित विवेचक और विवेचना टीम को निर्देशित किया जा चुका है।